कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि 50 से 55 धर्माचार्य सदन में पहुंचने चाहिए। हमारे साथ धर्माचार्य स्वयं मौजूद हैं, मनीष कृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने ये मेरे को समय दिया। दूसरी बात यह है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो सत्य सनातन धर्म है, और हमारा ये भारत देश कोई ऐसा नहीं विदेशी कल्चरों के उसमें हो। यदि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, अपने धर्म को मानना है, समझना है, तो हमें सनातन धर्म समझना होगा। और पूज्य देवकी नंदन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि धर्माचार्य यदि सदन में जाएंगे 50-55 और मैं कहूँ ज़्यादा जाएं, यदि वो जाएंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे चरित्र का ही निर्माण करेंगे। क्योंकि संत और धर्माचार्य कैसे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक संतों के लिए उपमा दी गई है, भोजपत्र के पेड़ के समान साधु महात्मा होते हैं। वो अपने शरीर को भी लगा देते हैं लेकिन परोपकार करते हैं। और यदि साधु महात्मा धर्माचार्य जाएंगे तो भारत में, मेरी बात बोल रहा हूँ, भारत में निश्चित ही हिंदुत्व का राज्य होगा, हिंदुत्व का शासन होगा, और लोग अपने धर्म को, सनातन संस्कृति को समझेंगे। जो बात कही गई है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यदि साधु महात्मा संत यदि धर्माचार्य बैठे हैं सदन में तो वो एक अच्छी बात को आगे बढ़ाएंगे, लोग समझेंगे, अपने संस्कार को समझेंगे, अपने धर्म को समझेंगे, एक अच्छे चरित्र को समझेंगे। और आप देखिए, आपके सामने वैसे भी प्रत्यक्ष उदाहरण ही है, उत्तर प्रदेश में जहाँ कभी गुंडा राज हुआ करता था, लोग आतंकित जिंदगी से परेशान थे, भय का माहौल था, लेकिन जब से हमारे पूज्य श्री योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, महंत जी, जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। और यदि कोई अनैतिक कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लोग अब डरते हैं अच्छे सुशासन से कि हम गलत काम करेंगे, यदि गलत काम करेंगे, देखिए बिल्डोजर कितने घर घरों पे चल रहे हैं, क्योंकि वो जो अनैतिक कार्य करने वाले हैं उनको तुरंत दंड भी मिल रहा है। तो जैसे एक योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में लेके और अच्छे अच्छे शासन को, आज देखिए मथुरा वृंदावन में कितने अच्छे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, कितने अच्छे से कांवड़िया पूरे भारत देश में अच्छे से भगवान शिव जी के जल को लेकर जाते हैं, अच्छी जगह जल चढ़ता है भगवान शिव जी का, सब शांति से होता है, नवरात्रि भी होती है, हर त्योहार शांति से होता है। और यदि आप देखिए, एक योगी जी ने इतना अच्छा संभाल लिया है, और हमारे धर्माचार्य यदि सदन में जाएं तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये बात बिल्कुल आप भी समझ जाएंगे कि यदि सदन में महात्मा बैठेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनीष कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर सदन में धर्माचार्य जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। वीडियो इस राज के साथ मैं पीयूष, नई दिल्ली।